फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये बेबी फ्रॉक सी लेंगे, तो इसके लिए मैंने कपड़े के ये दो पीस लिए हैं। ये डबल है और इन्हें एक बार और फोल्ड कर लेते हैं। कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे, चाहे तो प्रेस भी कर सकते हैं कटिंग करने से पहले। तो मैंने फोल्ड कर लिया अच्छे से और मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ। इनकी लंबाई है 22 इंच। दोनों पीस सेम है और चौड़ाई है 20 इंच। तो इधर से हमारी ओपन साइड है और उधर से हमारी बंद वाली साइड है। ऊपर से पहले आर्म होल के लिए निशान लगा लेंगे हम 6 इंच पर, और इधर से भी 6 इंच पर, और इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। एक सीधी लाइन खींच लेंगे और ये हमारा आर्म होल का निशान लग जाएगा। लाइन को सीधा कर लेते हैं। हमें फ्रॉक की बाजू अलग से कट नहीं करनी है, इसी में हमारी बाजू साथ में ही कट हो जाएंगे। तो पहले ऊपर से हम लेते हैं शोल्डर प्लस स्लीव्स का। यहाँ पर 12 इंच पर एक निशान लगा लेंगे 12 इंच पर, और नीचे से हम 7 इंच, ये चेस्ट का निशान है 7 इंच, और जिधर हमने 12 इंच पर एक निशान लगाया है उधर से गोलाई देते हुए 7 इंच पर इस निशान को मिला देंगे। तो ये हमारा बाजू का निशान हो जाएगा। अब हमें लेंथ लेनी है फ्रॉक की। हमें लेंथ 21 लेनी है और 1 इंच उसमें प्लस का लेना है। तो 22 पर एक निशान लगाना है, क्योंकि ऊपर से तो हमारा सिलाई के लिए कपड़ा नहीं चाहिए, नीचे हमने 1 इंच मार्जिन का लिया है। तो इसी तरह से इंच टेप को घुमाते हुए 22 पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से, और इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। तो ये हमारा नीचे घेरे वाला निशान लग जाएगा। अब गले के लिए निशान लगा लेते हैं। तो गला हमें 2.5 इंच चौड़ा लेना है और गहराई भी इतनी ही लेनी है 2.5 इंच। अब इसकी गोलाई कर देते हैं। तो दोनों गले में एक ही साथ कट कर रही हूं और ये हमारा फ्रॉक का निशान लगकर रेडी है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगले वाले गले में हमें 2 इंच पर एक निशान लगाना है और इधर तक कट लगा देना है। सिर्फ अगले वाले पार्ट में ही कट लगाना है, पिछले वाले पार्ट में नहीं लगाना है। एक कट हमें इधर बाजू के पास लगाना है, जिधर से हम बाजू को मोड़ेंगे फोल्ड करने के बाद एक सिलाई लगाएंगे। तो आसान हो जाएगा, इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। जिधर हमने कट का निशान लगाया था उधर हमने एक कपड़ा और सिला है उसी के बराबर, और उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। ये हमने एक तिरछी पट्टी ली है, इसे गले पर सील देंगे इस तरह से फोल्ड करने के बाद, और सीलने के बाद छोटे छोटे कट के निशान लगा देंगे अंदर की साइड, जिससे हमारा कपड़ा खिंचाव नहीं करे। और फिर दोबारा से पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और एक सिलाई इसके ऊपर और लगा देनी है।
ये हमारा गला बनकर तैयार है। अब बाजुओं को अंदर की तरफ से इस तरह से फोल्ड करना और एक सिलाई इस तरह से लगा देनी है किनारे किनारे पर दोनों बाजुओं में। अब ये हमने दो इलास्टिक के पीस लिए हैं जिनकी लंबाई है 10 इंच, ये दो पीस हैं, और जिधर हमने आर्म होल का निशान लगाया था उसे हमने डार्क कर लिया है दोनों साइड। इधर हमें इलास्टिक सीलनी है और इधर भी इलास्टिक सीलनी है, तो इसमें हमारे प्लेट्स पड़ जाएंगी फ्रॉक में इलास्टिक डालने से, चाहे तो डोरी भी लगा सकते हैं। और दोनों साइड इलास्टिक सील दिए हैं, अब इन्हें आपस में सील लेते हैं साइडों से, और जिधर तक हमने इलास्टिक लगाई है उधर तक ही हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने बाजू को फोल्ड करने के बाद एक सिलाई लगाई थी उसी तरह से हमें पूरे घेरे पर कपड़े को फोल्ड करना है, थोड़ा सा अंदर की साइड और एक सिलाई लगा देनी है पूरे फ्रॉक पर। और सीलने के बाद लेस भी लगा सकते हैं आप या फिर रिबन भी लगा सकते हैं, मैं ये ब्लैक कलर का रिबन लगा रही हूँ। मैं बाजुओं पर भी लगाऊंगी और नीचे घेरे पर भी लगाऊंगी। ये हमारा बेबी फ्रॉक बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।